दोस्तों कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। यदि दोस्तों आप भी विदेश विदेश जाने का शौक रखते हैं तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम विदेश विदेश कंट्री के बारे में नए नए जॉब और नए नए सर्विस के बारे में बताते रहते हैं। आज दोस्तों मैं बताऊंगा साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में, कौन सी जॉब करना चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे खाना और बहुत अच्छे अच्छे चीज खा पी सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मैं देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए इन्फॉर्मेशन और नए नए जानकारियां देते रहता हूं, जिस प्रकार से कोई भी आसानी तरीके से साउथ अफ्रीका कंट्री में जाकर पैसा कमा सकता है। साउथ अफ्रीका में जाने के लिए दोस्तों मैं बता दूं आपको, दो काम यदि आप सीख लें तो अच्छा तरीके से साउथ अफ्रीका कंट्री में रह सकते हैं। पहला जॉब है, यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, फोरमैन हैं, मुंशी हैं, कोई भी चीज़, एक सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन मकान में के कोई भी काम जानते हैं, तो आसानी तरीके से यूरो डॉलर जो होता है साउथ अफ्रीका कंट्री में आप आसानी तरीके से कमा सकते हैं। वो भी इंडिया करेंसी में कन्वर्ट करें तो कम से कम 1,80,000 पर मंथली आप इंडिया करेंसी से कमा सकते हैं। फिर आइए दोस्तों, फिर बात कर लिया जाए साउथ अफ्रीका में किसी भी होटल में जॉब करने से हमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती है और क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है, दोस्तों पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले नंबर, यदि साउथ अफ्रीका कंट्री में यदि आप जॉब करते हैं तो आपको कौन सी जॉब करना चाहिए, वेटर की का जॉब करना चाहिए, बावर्ची की का करना चाहिए या चाहे कुकिंग की करना चाहिए, अब हम इस वीडियो में आपको बता दें। पहला नंबर, यदि आप वेटर की जॉब करते हैं साउथ अफ्रीका में भी, तब भी आप इंडिया करेंसी में देखा जाए तो 70,000 से 80,000 आराम से कमा सकते हैं। या चाहे बावर्ची जो खाना वाना बनाते हैं, चाइनीज जूनीज के बारे में खूब उनको नॉलेज होता है, या चाहे एक अच्छा बावर्ची है, या चाहे कह सकते हैं एक अच्छा बनाने वाले खाना अपने कंट्री में, तो साउथ अफ्रीका कंट्री में दोस्तों मैं बता दूं आपको, जाने से पहले साउथ अफ्रीका कंट्री में आप यदि सोच रहे हैं जाने के लिए, साउथ अफ्रीका में जाने के लिए मैं बता दूं किस कैसे जाइएगा तो कम पैसे लगेगा। पहले ये जान लिया कि हम साउथ अफ्रीका कंट्री में जाएं कैसे। साउथ अफ्रीका कंट्री में जाने के लिए आपको सिविल इंजीनियर या कंडीशन मकान में का कोई भी काम आना चाहिए। दूसरा नंबर, बावर्ची है तो जैसे कुकिंग कह सकते हैं या चाहे बावर्ची कह सकते हैं, जिसे खाना बनाने आना चाहिए, पूरी खाना में नॉलेज हो तो लोग आसानी तरीके से चल सकते हैं। यदि आप मिस्त्री हैं तो कम से कम 1,10,000 से 1,15,000 आराम से साउथ अफ्रीका कंट्री में जो यूरो डॉलर कमाएंगे, तो यूरो डॉलर को जैसे कि 1200 यूरो डॉलर हो सकता है, 1000 यूरो डॉलर हो सकता है, जो इंडिया करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 1,00,000 कुछ रुपये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं जाना कैसे चाहिए। मैं बता दूं आपके नज़दीकी कोई भी एजेंट हो तो उनसे राय और मशवरा ले सकते हैं। अगर वो साउथ अफ्रीका कंट्री में नहीं भेजते हैं तो मैं बता दूं आप अपने नज़दीकी कंट्री में कहीं भी हैं तो वहाँ एक जैसे कि विदेश मंत्रालय यदि आपके नज़दीक है तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, एम्बेसी के जरिए संपर्क कर सकते हैं। कोई भी नहीं हो तो ऐसा गूगल पर बहुत ऐसे वेबसाइट हैं जिस पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। यदि आप लोग वेबसाइट पे ही नहीं जाना चाहते तो आपके नज़दीकी कोई ना कोई एजेंट ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका कंट्री में भेजते हैं, जो आपको टिकट देंगे, मेडिकल कराएंगे, आपको वीज़ा देंगे, परमिट वीज़ा देंगे, टूरिस्ट वीज़ा देंगे, कोई भी वीज़ा लगाकर आपको साउथ अफ्रीका कंट्री में भेज देंगे। तो दोस्तों यदि आप कभी भी साउथ अफ्रीका कंट्री में जाइएगा तो मैं बता दूं आपके पास एक परमिट वीज़ा होना चाहिए, या चाहे टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए, या चाहे कह सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा और परमिट वीज़ा से होता क्या है, यदि साउथ अफ्रीका में कंट्री में चले गए बावर्ची में, अगर खाना नहीं पसंद आया, टूरिस्ट वीज़ा पर गए, कम पैसा लगाए, तो पुनः अपने कंट्री में आकर फिर से सीख कर जा सकते हैं। कंडक्शन मकाने में यदि आपको नॉलेज है तो परमिट वीज़ा लेकर जा सकते हैं, यदि उतना नॉलेज नहीं है तो टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाकर थोड़ा जॉब करके पैसा कमा कर फिर अपने कंट्री में 3 महीने में चले आएंगे। तो दोस्तों मैं यही आशा और उम्मीद करूंगा, काम आता हो तो साउथ अफ्रीका जाइए, सीख गए तो साउथ अफ्रीका जाइए, नॉलेज है तो साउथ अफ्रीका जाइए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जाने में कम से कम एजेंट आपसे 1,00,000 से 20,000 या चाहे 80,000 तक रुपये ले लेंगे। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई काम सीख कर साउथ अफ्रीका कंट्री में जाना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम विदेश विदेश कंट्री के बारे में नए नए इन्फॉर्मेशन और नए नए जानकारियाँ देते रहता हूँ।